कृषि विधेयक जो केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है वे किसानों के हित में है, पर कांग्रेस व वामपंथी दल अराजकता का माहौल जानबूझकर बना रहे हैं। ये बात घुमारवीं में पत्रकार वार्ता के संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवेश शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में किसान मोर्चा बूथ स्तर पर जाकर किसानों को जागरूक करने का कार्यक्रम चला हुआ है। इसी कड़ी में घुमारवीं किसान मोर्चा की बैठक रखकर किसानों को इस बिल के फायदे के प्रति जागरूक करेंगे। जब से केंद्र में 2014 में मोदी सरकार बनी है तो किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं शुरू की हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज तक 95,000 करोड़ किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। किसानों के हित में किसान हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना शुरू होने से किसानों को सीधा फायदा हो रहा है। किसानों के लिए जो कानून बनाया गया है वह रातों रात नहीं बना है, परंतु इसमें लगभग 20 सालों से इस पर कार्य चला हुआ है तथा कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी MSP के बारे में कहा गया है। इस बिल को लाने के लिए गहन अध्ययन व मंथन करने के बाद लाया गया है। बिल का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ राजनीति करनी है। ये वही लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं तथा बिचौलिए हैं MSP के लिए। ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं तथा मोदी सरकार इसे जारी रखेगी। दिल्ली पे धरने पे नामात्र लोग बैठे हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मात्र 12,000 लोग दिल्ली की सड़कों पर धरने पर बैठा है और 65,000 करोड़ अपने खेतों में बैठकर खेती कर रहे हैं। देश में 70% लोग किसान बिल से सहमत हैं, पर कुछ हैं जिन्हें अपनी राजनीति चमकानी है और इस तरह से धरने प्रदर्शन में लगे हुए हैं। इस धरने प्रदर्शन में देशद्रोही तत्वों के द्वारा फंडिंग की जा रही है। सरकार जब इन किसानों से बात करने को बुलाती है तो ये सर्जली मॉम्ब, उमर खालिद जैसे देशद्रोह तत्वों को रिहा करने की बात करते हैं। हिमाचल किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में पत्रक बांट कर किसानों को जागरूक करेंगे और 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर करवाएंगे। पार्टी किसान मोर्चा घुमारवीं मंडल की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। ये बैठक अभी जो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक पारित हुए हैं, उन विधेयकों को किसानों तक हम ले जाकर के उनको इसके फायदे और उनके जीवन में इसके कारण क्या प्रभावित होने वाले हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, उनके इस विधेयकों के क्या फायदे रहने वाले हैं, इन विषयों को लेकर के आज ये बैठक आयोजित की गई। हमारा किसान मोर्चा का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में मंडल स्तर पर जाकर के इस तरह की बैठक आयोजित करके कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जाकर के इस विधेयक के फायदे किसानों को क्या रहने वाले हैं इस विषय में जागरूक करने के विषय में ये बैठक आयोजित की गई थी। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तब से पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य रहा कि किसानों की आय को कैसे दुगना किया जाए।